हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक को खत्म कर लिया था, हमने उसका एक्सपांडेड इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एक्सेप्शन को भी हमने समझ लिया था। तो आई होप कि आपको वो सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को खत्म करते करते आज हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दिए थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो मैंने दिया था आपका SO3। अब आपको SO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे। तो कैसे करोगे बच्चों, इसमें 6, इसमें आपका 6, तो यहां पर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 सल्फर के लिए, ये मैंने 6 मल्टीप्लाई बाय 3 4 ऑक्सीजन, दिस इज 4 ऑक्सीजन, दिस इज 4 सल्फर, दिस इज 4 ऑक्सीजन, दिस इज 4 सल्फर, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ मैंने आपने निकाला टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू व्हाट, 20। यहाँ पर आपका 8 मल्टीप्लाई बाई 4 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ अब टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द TERN माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो TERN आपका कितना है बच्चों, 32 माइनस 24 इक्वल टू व्हाट, 8। यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4 नंबर ऑफ बॉन्ड आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, जो कि आपके कौन से नेचर का होगा, कोवेलेंट नेचर का, कौन से नेचर का होगा, कोवेलेंट नेचर का। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगला, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ता है, वो कैसे निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 और टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने, 8, तो यहाँ पर कितने बचेंगे बच्चों, 16 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पर कितने लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी 16, नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी व्हाट, 16 तो इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर आपका कितना होगा बच्चों, 8 आपका नंबर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर पिछले कंसेप्ट को समझे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप इसको एक एक, एक करके समझिए। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड आपके कितने दिए हुए, 4। अब यहां पर सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम को डिसाइड करने का एक ही तरीका है बच्चों। यहां पर सबसे पहले आप लोगों ने स्केलेटन को ड्रॉ किया होगा इस तरीके से, यह आपने स्केलेटन को ड्रॉ किया होगा, और स्केलेटन में आपको क्या बोला है, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितने, 4, नंबर ऑफ बॉन्ड आपके 4, तो एक आपका डबल बॉन्ड होगा, इस तरीके से हो सकता है। इस तरीके से देखो, 4 बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बना दी, आप कुछ और पॉसिबिलिटी भी बना सकते हो। अब हम यहाँ पर अरेंज करते हैं टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो देखते बेटा कि कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन के, सबसे पहले टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ अरेंज करते बच्चों, टर्मिनल एटम पे, कहाँ अरेंज करते बच्चों, टर्मिनल एटम पे। तो टर्मिनल एटम पे सबसे पहले टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो। तो देखते हैं यहाँ पर 1, 2, ऑक्सीजन के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ध्यान से समझना, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे आपका, तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो ये मैंने बना दिया यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर समझते हैं, यहां पर ऑक्सीजन के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक ने पार्टिसिपेट किया, बचे कितने यहां पर आपका बचेगा कितना, ओड इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपके 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो कि आपका क्या होगा बच्चों, गलत होगा। अब इसी 5 इलेक्ट्रॉन से बचने के लिए हमने क्या कंसेप्ट लगाया था, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमको बचाना ही नहीं है। तो ओड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से बचने के लिए हमने 2 कॉन्सेप्ट लगाए थे, या तो एक्सटर्नल चार्ज, क्या यहाँ पर किसी टाइप का एक्सटर्नल चार्ज नहीं है, अगर यहाँ पर किसी टाइप का एक्सटर्नल चार्ज नहीं है
तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो यहां पर मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का किया यूज। देखो यहां पर आप समझना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने इस तरफ बनाया, ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस शेल में ले इलेक्ट्रॉन उतने ही यहां पर हो गए। यहां पर भी आपका इसी तरीके से ऑड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आ जाएगा। जब यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आ जाएगा तो यहां पर भी आपका इस तरीके से बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां। तो सल्फर के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट कर रहा है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को ये आपका डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब क्या ये स्ट्रक्चर सही है? अब मैंने आपको बताया था इन पीरियड थर्ड एलिमेंट एलिमेंट ऑक्टेट ऑफ ऑक्टेट विल बी व्हाट, ऑक्टेट विल बी एक्सपांडेड, ऑक्टेट विल बी एक्सपांडेड एक्सपांडेड। ऑक्टेट आपका क्या हो सकता है बच्चों, बढ़ सकता है। तो यहां पर कैसे करेंगे उसको सोल्व, यहां पर मैंने अगर फॉर्मल चार्ज निकाला तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर देखो 1 2 3 1 2। और फॉर्मल चार्ज में कोवलेंट बॉन्ड किसकी तरह, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका कोवलेंट बॉन्ड की तरह आपका बिहेव करेगा, 1 2 3 4 4। मतलब 6 में से 4 गए यहां पर +2। यहां पर अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 6 -7 = -1। यहां पर मैं अगर फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 6 -7 = -1। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मल चार्ज निकाले। तो अगर थर्ड पीरियड में तो फॉर्मल चार्ज ऑक्टेट आपका बढ़ सकता है। अब देखो यहां पर आपका ऑक्टेट कितना है, यहां पर इसका ऑक्टेट चेक करो। अगर मैं ऑक्टेट चेक करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो ऑक्टेट ऑक्टेट आपका क्या हो सकता है बच्चों, एक्सपांड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड में रिप्लेस कर देंगे। देन जो अब ये आपका जो लुईस स्ट्रक्चर बनेगा, ये लुईस स्ट्रक्चर आपका करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा बच्चों। ये लुईस स्ट्रक्चर आपका करेक्ट करेक्ट ये वाला हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो आपके होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये होगा। क्यों, ड्यू टू द फॉर्मल चार्ज विच इज इक्वल टू जीरो, नियर टू जीरो नहीं, विच इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां पर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 2, जो कि आपका पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा दिया था बच्चों, आपको SO2 का, SO2 का मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो SO2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, समझ लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, SO2। अब देखो SO2 का अगर मैं देखना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू व्हाट, 12 प्लस 6 इक्वल टू व्हाट, 18 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो यहां पर 8 मल्टीप्लाई बाय, ये यहां पर सल्फर का 1 और 8 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का 2, तो टोटल कितना हो गया बच्चों यहाँ पर, 16 16 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ अब क्या निकालोगे बच्चों, टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू द व्हाट, TERN - टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब TERN आपका कितना होगा, 24 - 18 इक्वल टू व्हाट 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपका नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल टू व्हाट 3। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों यहां पर टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 18 और आपका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 6, तो बचे कितने, 12 इलेक्ट्रॉन्स। देन देन नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी
नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी व्हाट, विल बी सिक्स। आपके यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, सिक्स हो जाएंगे। आई होप सो कि आपको ये स्टेप पूरा समझ में आया होगा, जो कि आपका काफी इजी स्टेप है। आप लोगों को आई होप 100% समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर SO2 के लिए, ठीक है, किसके लिए बच्चों, SO2 के लिए। तो यहाँ पर SO2 के लिए अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, समझना बच्चों। देखो SO2 के लिए अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना होगा सिंपल, सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाऊंगा बच्चों, समझना। ये मैंने एस लिया, ये मैंने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर एस लिया, SO2 बोल रहा है। तो यहाँ पर SO2 का अगर मैं स्केलेटन बनाना चाहूंगा तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। और यहाँ पर कितने बॉन्ड को यूज करना है बच्चों, यहाँ पर तीन बॉन्ड को। तो मैंने तीन बॉन्ड के लिए SO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना दिया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तीन बॉन्ड्स यहाँ तक मैंने सेटिस्फाई कर लिया। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बताया था टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप कौन से एटम पे अरेंज करोगे बच्चों, टर्मिनल एटम पे। कौन से एटम पे अरेंज करने वाले बच्चों आप लोग, टर्मिनल एटम पे, ठीक है, टर्मिनल एटम पे अरेंज करना है। तो किस तरीके से डील करेंगे, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, सिक्स इलेक्ट्रॉन। सिक्स में से दो इलेक्ट्रॉन अगर आपके पार्टिसिपेट कर गए तो आपके बचे कितने, चार इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर देखा कि ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पर आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों, यहाँ पर पांच इलेक्ट्रॉन। और पांच इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ओड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मुझे इसी ओड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट करूंगा। अब ये बताओ कि ऑक्सीजन के किसी इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या हुआ एक्चुअली में, सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए। जब ऑक्सीजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन हम यहाँ बना देंगे। बात क्लियर है, सिंपल है। नाउ अब देखो यहाँ पर सल्फर ने इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दो इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन दिए, और सल्फर के वैलेंस शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट किया सल्फर का और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो बचे कितने, दो इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर में भी एक लोन पेयर, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने आपको अगेन, पहले भी मैंने आपको बताया था, दिस इज व्हाट सल्फर इज अ, सल्फर इज द थर्ड पीरियड एलिमेंट। सल्फर आपका कौन सा पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट होने की वजह से इट कैन एक्सपांडेड, इट कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकता है, मतलब अपने ऑक्टेट को इंक्रीज कर सकता है, ये इसकी होती है प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहां पर अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन ऑन दैट एटम, मतलब उस एटम पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन असाइन है उस, वो भी आपका आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन असाइन है, एक दो तीन चार पांच छह, और ये वाला आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसको मैं कोलम बॉन्ड की तरह बिहेव कराऊंगा, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, सात इलेक्ट्रॉन असाइन है, तो यहाँ पर माइनस वन। अब इसका बताओ फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, ठीक है, वैलेंस शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी मैं यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव कराऊंगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मानूंगा, यहाँ पर अब मैं कितने इलेक्ट्रॉन मानूंगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मेरा पांच इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर प्लस वन। यहाँ पर आपका क्या होगा फॉर्मल चार्ज, छह, और यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छह, छह इलेक्ट्रॉन माइनस छह, तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं बच्चों, फॉर्मल चार्ज। अब मैंने फॉर्मल चार्ज निकालने का आपको एक और तरीका बताया था, देखो उससे भी हम निकाल सकते हैं। अगर मैंने इसको माना फर्स्ट एटम, इसको मैंने माना सेकेंड एटम, इसको मैंने माना थर्ड एटम, तो अगर मैं फर्स्ट एटम का निकालना चाहूँ तो फर्स्ट एटम का फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मुझे एटम पे निकालना है, एटम वन पे, अब देखो एटम वन तो ये है, अब देखो फॉर्मल चार्ज में कैसे निकालूंगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे कितना होता है बच्चों, सिक्स। अब इसके ऊपर टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, एक दो तीन चार, चार। और इसके पास टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
टोटल बॉन्ड पेयर कितने, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार, इसको हाफ करना रहता है। टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, चार है, चार का हाफ करेंगे तो यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई बाई फोर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा टू। तो इस तरीके से भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं हर एटम का, चाहे आप सल्फर का निकालना चाहो चाहे आप ऑक्सीजन का, ठीक है। बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव कराना है। तो एक्चुअली में आप इस फॉर्मूले से भी एक बार करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं एक और, सल्फर के केस में आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से फॉर्मूला कम याद रखो, आप लॉजिक पे ज्यादा ध्यान दो। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एटम टू के हिसाब से करना चाहूँ तो एटम टू फोर मतलब क्या है, सल्फर है। अब मुझे यहाँ पर बताओ सल्फर के लिए फॉर्मल चार्ज निकालना होता है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर पे, सिक्स माइनस, अब इस पे टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, एक एक, यहाँ पर एक और दो इलेक्ट्रॉन है टोटल लोन पेयर। अब यहाँ पर प्लस हाफ, टोटल बॉन्ड पेयर कितने होंगे, एक दो तीन चार पांच छह, छह छह होंगे मतलब सिक्स, और यहाँ पर मैंने कर दिया थ्री। तो टोटल फॉर्मल चार्ज निकालते वक्त सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आपको कितना आ गया, प्लस वन। इस तरीके से भी मैं निकाल सकता हूँ, सिक्स माइनस फाइव ठीक है, प्लस वन ठीक है, यहां तक आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट आपके ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकता है, अगर ये अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकता है। देखो यहाँ पर जनरली आपका ऑक्टेट रूल तो फॉलो हो रहा है, यहाँ पर आपका इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, ऑक्टेट रूल आपका क्या हो रहा है बच्चों, फॉलो हो रहा है, लेकिन क्या आपका फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज इज लाई बिटवीन, फॉर्मल चार्ज लाइज बिटवीन, फॉर्मल चार्ज लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, ठीक है, जो कि आपका क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया इसके लिए, देखो लूज डॉट स्ट्रक्चर हटा के मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, अब यहां पर देख सकते हो कि मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह केवल और केवल डबल बॉन्ड बनाया। अब मैं इस स्ट्रक्चर पे फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो फॉर्मल चार्ज यहां पर कितना आएगा बच्चों, फॉर्मल चार्ज विल बी जीरो। यहां पर कितना आएगा फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स, एक दो तीन चार पांच छह, और इसके ऊपर असाइन भी छह। यहां पर देखो इसका फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो एक दो तीन चार पांच छह, छह इलेक्ट्रॉन तो असाइन है और इस पे सिक्स तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक दो तीन चार पांच छह, छह इलेक्ट्रॉन असाइन होते हैं तो ये जीरो। तो यहां पर फॉर्मल चार्ज की वजह से, ड्यू टू द जीरो फॉर्मल चार्ज, जीरो फॉर्मल चार्ज, दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका गलत होगा, ये वाला स्ट्रक्चर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं तो अभी पूरा एनालिसिस बता रहा हूं आपको क्वेश्चन का, आप उसको समझ भी सकते हो, ठीक है। अब इनमें से आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा NOCl, अब एक क्वेश्चन और है बच्चों यहाँ पर NOCl। तो NOCl के कंडीशन में आपका क्या होता है बच्चों, उसको समझते हैं। NOCl के कंडीशन में आपका क्या होगा उसको समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर NOCl, थर्ड क्वेश्चन NOCl। अब देखो NOCl, NOCl को हम बोलते हैं टिल्डेन रिएजेंट, टिल्डेन रिएजेंट भी होता है बच्चों इसका नाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, इसका मतलब सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पर मैंने सीएल लगा दिया, ठीक है। स्केलेटन मैंने यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, स्केलेटन। अब मैंने स्केलेटन यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, नाइट्रोजन के ऊपर पांच इंटू वन, ऑक्सीजन के ऊपर सिक्स इंटू वन, और क्लोरीन के ऊपर क्या होगा बच्चों जल्दी से बताओ, क्लोरीन का कितना होता है, सेवन, सेवन इंटू वन, तो सेवन और फाइव विल बी व्हाट, सेवन और फाइव आपका ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सिक्स इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। अब टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, एट मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एट मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एट मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू व्हाट, 24 इलेक्ट्रॉन्स। Now we have to calculate total bond electron which is equal to the TERN minus total valence electron, or TERN equal to the what? 24 minus 18 equal to what? 6 electron. 6 electron का meaning क्या होगा बच्चों, आपका 3 bond बनेगा जो कि आपके covalent in nature होगा, ठीक
ठीक है, ये तो मैंने आपको बता बता दिया। अब नेक्स्ट आप समझते हैं बच्चों यहां पर पॉइंट वाली बात, टोटल लोन पर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना है, सिक्स इलेक्ट्रॉन, और टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने, सॉरी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना है बच्चों, 18, और टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपका 6 है, तो यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इन स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर 6 लोन पेयर। अब ये तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, अब ये कैसे होगा बच्चों समझना, ठीक है। सबसे पहले यहां पर तो मैंने स्केलेटन ड्रॉ किया, अब स्केलेटन में क्या चेक करना है कि कितने बॉन्ड बनेंगे, तो यहां पर मुझे कितने बॉन्ड आ गए, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड की पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखो एक तो ये होगी और एक ये होगी, ठीक है। आप ध्यान से समझना, क्लोरीन के पास कभी भी आपका डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्लोरीन के पास कभी भी आपका डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर आप बना भी रहे हो तो आप जब लूज डॉट स्ट्रक्चर के लिए लोन पेयर अरेंज करोगे तो आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझना, हेलोजन आपका केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, सेकंड स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर आप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से भी निकालना चाहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर कि यहां पर अब मुझे लोन पेयर को अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे, दो तो ऑक्सीजन के पार्टिसिपेट हो गए और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आपके अगर आपके पार्टिसिपेट हो गए तो यहां पर आपके बचे कितने, 4, ठीक है, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, आपके कितने पार्टिसिपेट हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो गए, तो बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने लोन पेयर बना दिया। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट हुए, 1, 2, 3, तो बचे कितने, 1। तो यहां पर आपको किसका स्ट्रक्चर मिल गया बच्चों, ट्रिटिलडियन रिएजेंट का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, ये अक्सर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ लेता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था बच्चों ये, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो नंबर ऑफ लोन पेयर आपका इक्वल आ गया। सो दैट्स व्हाई आपका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा NOCl के लिए वो क्या होगा बच्चों, ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते बच्चों यहाँ पर एक और जो मैंने आपको दिया था CNO3, ठीक है, यहां पर ध्यान से समझना CLO3। फोर्थ में मैं आपको दो स्ट्रक्चर एक साथ बताऊंगा, CLO3 माइनस और PO3, PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, तो आपको एक और बार कोशिश करना चाहिए बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केलेटन ड्रॉ करोगे, स्केलेटन कैसे बनेगा बच्चों इसका CLO3 का, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्केलेटन कैसे बनाएगा, CL यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से यहां पर आपका CLO3 का स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन का देख लेते हैं, हम बॉन्ड बना लेंगे, हम अभी स्केलेटन के पहले निकाल लेते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, इसके ऊपर 7 × 1 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6 × 3, और ये आपका कितना हो जाएगा, +1 इक्वल टू व्हाट, जल्दी से निकालो, 7 + 1 8, 8 + 18 इक्वल टू व्हाट, 8 + 18 इक्वल टू 26 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया आपका। देन आफ्टर टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल TERN, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 × 4 इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ आप देखो टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा बच्चों, TERN माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, TERN आपका कितना होगा, 32 − 26 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना बॉन्ड, मतलब बच्चों यहां पर 3 बॉन्ड बनेगा, यहां पर कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चों, 3 बॉन्ड बनेंगे, जो कि आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बना रहा हूँ। अब यहाँ पर टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 26 माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 6 इक्वल टू 20। तो हाउ मेनी लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी
टेन नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी व्हाट टेन, क्योंकि एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, यहाँ पर एक लोन पेयर में आपके यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर आ गया आपका इतना। ठीक है, अब Cl3 की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो Cl आपका लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सेंट्रल एटम। अब देखो ऑक्सीजन आपका इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये आपका कौन सा है, आउट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, कौन सा बच्चों, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो आपके मॉलिक्यूल से बाहर से आए। तो देख लेते हैं, अब यहां पर सबसे पहले मुझे लोन पेयर को अरेंज करना है, तो एक एक करके ध्यान से करते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया तो बचे कितने, बचे कितने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन यहाँ पर जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो देखो यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन के केस में, तो यहाँ पर आपका कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, देखो मैं सिंपल सिंपल बना लेता हूँ। अगर मैंने सिंपल बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में और रिमेनिंग कितने बचेंगे 5, मतलब इसका क्या बना लेगा बच्चों, ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों में क्या लिया बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पर कितने, यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ए अपना लोन पेयर देगा बी को, मतलब बी बी ने कुछ किया नहीं किया, सब कुछ ए ने किया, तो मतलब सीएल ही सब कुछ कर रहा है। तो ऑक्सीजन का एक भी इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो बॉन्डिंग में जब एक भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसके आउटर मोस्ट शेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिसिपेट हुए, देखो एक दो, यहाँ पर क्लोरीन बॉन्ड की वजह से दो, एक दो तीन चार पांच, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों आपके 7, 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए, तो बचे कितने हैं, बचे कितने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर भी आपका इक्वल आ गया होगा, चेक कर सकते हो बच्चों आप लोग, आप यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितने आ जाएंगे बच्चों ने, नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पर आपके 10, जो कि आपके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये आपका सही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे बच्चों, Cl इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, Cl आपका कौन सा पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो इट कैन एक्सपेंड एक्सपांड एक्सपांड इट कैन एक्सपांड ऑक्टेट टू डिक्रीज लुविस टू डिक्रीज फॉर्मल आवेश मतलब फॉर्मल चार्ज को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन में और क्लोरीन के ऑक्टेट को बढ़ा देंगे। अगर मैं अब यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आपका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बिहेव लाइक अ नॉर्मल बॉन्ड, तो इसका फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों यहाँ पर 6, 6 यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और कितने कितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर असाइन है, 1 2 3 4 5, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप एक कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव मानोगे जब मैं फॉर्मल चार्ज की बात करूंगा, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पर कितना आ जाएगा +1। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो इसका कितना आ जाएगा फॉर्मल चार्ज +1, इसका निकालना चाहूँ तो इसका कितना आ जाएगा फॉर्मल चार्ज +1, और इसका कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर फॉर्मल चार्ज -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 6 तो होते, 6 में से 7 आ गए, तो यहाँ पर -1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकाला। अब मैं क्या बोला था मैंने आपको, थर्ड पीरियड के एलिमेंट को कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको डबल बॉन्ड में रिप्लेस करना पड़ता है, तो अगर मैं इसको डबल बॉन्ड में रिप्लेस करूंगा तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं डबल बॉन्ड में रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर आपका करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, क्यों है, क्योंकि दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ
ऑफ, दिस इज द करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ, यहां पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज द करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CLO3 माइनस मॉलिक्यूल। CLO3 माइनस मॉलिक्यूल का करेक्ट है, क्यों? ड्यू टू द जीरो फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आपका कितना है बच्चों? जीरो है। जीरो फॉर्मल चार्ज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पर भी आपका एक लोन पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को समझना कि अगर आपके ग्रुप थर्ड वाले हैं तो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे बच्चों? डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया था होमवर्क बच्चों? नेक्स्ट मैंने होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया था उसको समझ लेते हैं अच्छे से एक बार। काफी इजी क्वेश्चन है, एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन था आपका, आप अगर CLO3 का स्ट्रक्चर अगर आ गया तो आप PO4 3- का एक बार बनाना, ठीक है, एक और बार कोशिश करना। नेक्स्ट जो होमवर्क क्वेश्चन था वो कौन सा था आपका? यहाँ पर फोर्थ आपका S2O32-। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था जो कि आपका काफी इजी था, आप एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, तो इसको इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सॉरी फोर्थ नहीं, ये आपका फिफ्थ था, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो भी है आप लोग समझ लेना बच्चों, आज आज का फिफ्थ क्वेश्चन मेरे हिसाब से, ठीक है ना, मेरे लेक्चर के हिसाब से आज का फिफ्थ क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मैंने बात की टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों यहाँ पर आप बताओ बच्चों? एक सल्फर में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन 6 × 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और 3 ऑक्सीजन है, और साथ में यहाँ पर 2 माइनस का मतलब क्या है? आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। क्या है इसका मतलब? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इसको मैंने +2 कर दिया। अब देखो टोटल निकालो, फटाफट निकालो टोटल बच्चों की, कैसे निकालेंगे? 6 यहाँ पर कितना होगा? 12 और 18 कितना हो जाएगा? 30 + 2 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने निकाल लिया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन ए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, सल्फर भी आपका 8 और ऑप्टेन करने की कोशिश करेगा वैलेंस शेल में, तो सल्फर के लिए ये लिख दिया। ऑक्सीजन भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन को ऑप्टेन करने की कोशिश करेगा इन वैलेंस शेल, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से मैंने ऐसे लिखा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 8 को 2 से 16 इक्वल टू व्हाट? 40 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 40 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बच्चों हम? TRN माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, TRN इक्वल टू व्हाट? 40 - 32। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी व्हाट? नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी 4। कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चों यहाँ पर? आपके 4 बॉन्ड बनेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने बनाया, हमने यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला टोटल लोन पर। अब यहाँ पर लास्ट हम क्या निकालेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर टू अटेन ए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, देन आफ्टर हमने क्या निकाला बच्चों? टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ टोटल लोन पर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बच्चों? अब हम ध्यान से समझना, यहाँ पर टोटल यहाँ पर क्या जाएगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों यहाँ पर? 32 और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन्स, और 24 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर? नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी व्हाट? यहाँ पर 12 लोन पेयर बनेंगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना, अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? स्केलेटन। स्केलेटन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो एस 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 आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सेंट्रल एटम, और बाकी सारे एटम आपके आउटर मोस्ट, ठीक है, इस तरीके से बना दिया। अब यहाँ पर 4 बॉन्ड बनेंगे तो 4 बॉन्ड मैंने बना दिया। देखो जी जैसे कि हमको बोला गया था कि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड आपके 4 आएंगे तो 4 बना दिया। अब मैं 4 बॉन्ड बनाने की बात करूंगा तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि सल्फर के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए, बाकी सब तो बच गए। यहाँ पर बाकी कितने बचेंगे? 5। और सिमिलर कंडीशन आपके यहाँ चारों में जो चलेगा, तो चारों में अगर एक एक
एक एक इलेक्ट्रॉन आपको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया है, तो सब में आपके पांच इलेक्ट्रॉन पांच इलेक्ट्रॉन पांच इलेक्ट्रॉन पांच इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बचेंगे। अब जब वैलेंस शेल में पांच इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और ऑड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हम रिमूव करने के लिए कौन से बॉन्ड का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हम क्या बना देंगे, सब जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सब जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी सब जगह नहीं बनाएंगे, यहां पर चार बॉन्ड, ठीक है चार बॉन्ड, सॉरी यहां पर आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो दो बॉन्ड को तो हम, दो इलेक्ट्रॉन को तो हम किससे कर लेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से, दो को तो हम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर लेंगे, लेकिन बचे हुए दो को में हमको क्या लगाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर भी मैंने ओड इलेक्ट्रॉन बनने वाला था उसको मैंने हटा दिया, यहां पर भी ओड इलेक्ट्रॉन बनने वाला था उसको मैंने हटा दिया बाय बाय इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर दो ही इलेक्ट्रॉन इनकमिंग है तो दो ही जगह को मैं हटा पाऊंगा, अब सल्फर और इसको नहीं हटा पाऊंगा, ठीक है। अब ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम चलते बच्चों यहां पर कि अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो यहां पर आपका फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, ये माइनस वन, यहां पर आपका फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है माइनस वन, और यहां पर आपका फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है प्लस टू। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा ऑक्टेट क्या है बच्चों, ऑक्टेट हमारा सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फॉर्मल चार्ज आपका नहीं है। थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, जहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से डबल बॉन्ड, यहां पर आपका लोन पेयर, लोन पेयर इसने इसको दिया इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसका तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसीलिए मैंने इसके चारों ओर सिक्स इलेक्ट्रॉन लगा दिए। देखो इसका भी कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में, तो इसके चारों ओर सिक्स इलेक्ट्रॉन लगा दिए। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया, आप क्या करेंगे यहाँ पर ऑक्टेट आपका कंप्लीट है लेकिन फॉर्मल चार्ज में क्या आ रहा है माइनस वन प्लस टू, और ये देन ये वाला स्ट्रक्चर अगेन क्या हो जाएगा बच्चों आपका करेक्ट इनकरेक्ट, सॉरी ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या हो क्या होगा इनकरेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर मैंने बोला था कि दिस इज व्हाट थर्ड पीरियड एलिमेंट, और थर्ड पीरियड एलिमेंट को मैं किससे कन्वर्ट कर दूंगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट में मैं आपके डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को क्या कर सकता है, ऑक्टेट को ये अपने एक्सपांड कर सकता है, जब ये अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकता है तो इसका मतलब मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो यहां पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता हूं बच्चों, में ये मैंने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, देखो ठीक है। अब यहां पर मेरे पास ये आपका यहां पर इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका इसकी वजह से यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात, यहां पर भी आपका फॉर्मल चार्ज माइनस वन, यहां पर भी आपका फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों माइनस वन, यहां पर भी फॉर्मल चार्ज माइनस वन, यहां पर भी आपका फॉर्मल चार्ज आपका कितना होगा माइनस वन, और बीच में आपका प्लस टू, ठीक है। बीच में आपका कितना हो जाएगा बच्चों प्लस टू फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो यहां पर आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, ध्यान से समझना, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जब आपका स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज नॉट, दिस इज अ करेक्ट लुईस एसिड, दिस इज अ करेक्ट, सॉरी करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्यों क्यों लुईस डॉट स्ट्रक्चर है बच्चों करेक्ट क्यों है, क्योंकि केवल और केवल फॉर्मल चार्ज की वैल्यू यहाँ माइनस वन है और यहाँ माइनस वन है, और बाकी सब जगह क्या है बच्चों, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज की वैल्यू जीरो है, फॉर्मल चार्ज की वैल्यू बाकी सब जगह क्या है बच्चों जीरो। तो फॉर्मल चार्ज जब तक आपको निकालना नहीं आएगा तो आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा, देन करेक्ट स्ट्रक्चर विल बी व्हाट दिस वन। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और कई बच्चों ने होमवर्क में इस क्वेश्चन को डील कर लिया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, धीरे 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 आप लोगों को काफी हद तक क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। अब मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया था FONO2 का, मैंने एक क्वेश्चन दिया था बच्चों जो कि आपका आप लोगों ने किया होगा, देख लेते FONO2 वाला सिक्स क्वेश्चन FONO2, ये आपका क्वेश्चन था। देखो अब इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से डील करेंगे, अगेन हमको वही प्रोसीजर चलना है, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को डील करा रहा हूं ताकि आप फिर से मेरे साथ बोले एक दो बार तो आपको स्टेप याद हो जाएंगे। देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, फ्लोरीन का आपका कितना होता है सेवन, फ्लोरीन का आपका कितना होता है बच्चे यहाँ पर सेवन, फ्लोरीन का आपका सेवन, ऑक्सीजन का आपका कितना होता है सेवन मल्टीप्लाई बाय वन, ऑक्सीजन का आपका सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक दो तीन, तीन है ना ऑक्सीजन,
एक यहां पर, दो यहां पर, और यहां पर नाइट्रोजन का 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 और 7 विल बी व्हाट इक्वल टू 12, 5 और 1 आपका किसके इक्वल है बच्चों, 12 के इक्वल है, और 12 में 18 जोड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर, 30 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो हर कोई अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो कुछ और एटम हो, तो यहाँ पर 8 करना चाहेगा। और कितने एटम है बच्चों, 5 एटम है। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा टोटल टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट, टी आर एन माइनस टी वी ई। अब टी आर एन आपका 40 माइनस 30 इक्वल टू, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बने इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी व्हाट, नंबर ऑफ बॉन्ड आपके कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर, 5, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड आपके 5 हो जाएंगे। अब इसका मतलब जो भी आपको स्ट्रक्चर रिड्रॉ करना है आपको उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाने हैं, 5। अब देखो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका कौन सा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम मानते हुए मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप लोग कुछ और तरीके से भी ड्रॉ करके आप लोग एक बार चेक करना, ठीक है। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अब निकालता हूँ बच्चों लोन पेयर, देखो 5 बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड मैंने बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 30, और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपका कितना है, 10, तो 20 इलेक्ट्रॉन आपके लोन पेयर होंगे, 20 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 20 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी व्हाट, नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी व्हाट, 10। यहाँ पर 10 लोन पेयर है। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, लोन पेयर को टर्मिनल एटम पे अरेंज करना पड़ता है, तो लोन पेयर को हम टर्मिनल एटम पे अरेंज करेंगे, तो देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में दो, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, तो बचे कितने, 1 2 3 4, ये मैंने बना दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन के ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए, तो बचे कितने, 4, तो इस तरीके से मैंने फिर बना दिया। यहाँ पर फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है, एक्चुअली वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है, तो बचा कितना, 6। कोई भी आपका ओड नहीं आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका कोई भी ओड नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए, 10 करने, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर हो, यहाँ पर होगा आपका 5 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका गलत होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सहारा लेंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं किया है, एक्चुअली ऑक्सीजन ने तो एक्सेप्ट किया है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल से हम एक भी इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाएंगे क्योंकि इसने डोनेट नहीं किया है। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन को चेक कर लेते हो, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल 1 2 1 2 3 4 5, तो मतलब इसका 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको रिड्रॉ किया। अब हम ऑक्टेट भी चेक कर लेते हैं, ऑक्टेट कैसे चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट आपका कंप्लीट है। अब ये आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, जब आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो तो यहाँ पर एक्सपांडेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो तो आपका क्या होगा, यहाँ पर एक्सपांडेड ऑक्टेट नहीं होगा, एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल नहीं होगा, रूल नहीं होगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर देंगे, एंड दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ FeNO2। तो वो कितना भी मुश्किल न्यूमेरिकल हो, अगर आपको सारा स्टेप याद है तो आप धीरे 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 करते जाओगे, काफी इजी क्वेश्चन थे, आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया है। बस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से डील करना है, ठीक है, एक दो बार आप लोग करो, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।